बच्चों का फेवरेट डोरेमोन और डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक। और ये डोरा केक सिर्फ डोरेमोन को ही नहीं बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और जब बच्चों को ये इतना पसंद आता है तो इसे घर पर बनाना तो बनता है। तो चलिए ये बहुत ही इजी वे में लेकिन बहुत ही टेस्टी डोरा केक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डोरा केक का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। तो मेजरिंग कप से मैंने ये 1 कप मैदा ले लिया है। और यदि कटोरी या फिर कोई भी आप कप वगैरह ले रहे हैं तो सारे मेजरमेंट है वो उसी के इक्वल लें। मैदे की जगह आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन फ्लेवर में थोड़ा चेंज आएगा। अब इसके अंदर हम स्वाद के लिए चीनी डाल देंगे। तो मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/3 कप पीसी हुई चीनी ले ली है ताकि ये इजीली इसके अंदर घुल जाए। अब लेंगे इसमें और भी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मॉइस्ट बनेंगे। और यदि आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी ये केक बहुत अच्छी बनती है। तो यदि आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चीनी और मिल्क पाउडर दोनों को ही स्किप कर दें क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी मीठा ही होता है। अब केक हमारा बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डाल देंगे। वेनिला एसेंस की जगह आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं जो आपके बच्चों को या आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं कि आप वेनिला एसेंस का ही इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच शहद। शहद डालने से डोरा केक हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनका जो टेक्सचर होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन इसे भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हमने चीनी और शहद दोनों का इस्तेमाल किया है। शहद भी थोड़ा मीठा आता है लेकिन वो इतना मीठा नहीं आता है कि ये जो डोरा केक है वो अच्छे मीठे हो जाएं। इसलिए मैंने चीनी ज़्यादा और शहद कम लिया है। और यदि आप बिल्कुल भी चीनी नहीं पसंद करते हैं तो शहद की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है इसमें दूध डालने की। तो 1 कप दूध ले लिया है। तो पहले थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो दूध की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे। पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालना है नहीं तो इसके जो लम्ब्स हैं वो भी इजीली ख़त्म नहीं हो पाएंगे और बैटर है वो ज़्यादा पतला भी हो सकता है। तो पहले दूध डाला हुआ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दोबारा इसमें थोड़ा दूध डाला है। तो दूध को मैंने पहले गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो हमें गर्म दूध या बहुत ज़्यादा ठंडा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। इसका बैटर ठीक वैसे ही तैयार होता है जिस तरह हम केक के लिए बैटर तैयार करते हैं। बस केक को हम टिन वगैरह में बेक करते हैं और इसे क्या होता है हम तवे पर ही इजीली बना सकते हैं और कुछ ही सेकंड में ये बनकर तैयार हो जाता है। बैटर को हमने काफ़ी स्मूथ और चिकना कर लिया है, कोई भी लम्ब्स इसमें नहीं है। और जब बैटर को हम इस तरह ऊपर से गिरा रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ऐसे रिबन से बन रहे हैं। तो बैटर एकदम परफेक्ट है। जितना अच्छा बैटर होगा जो डोरा केक बनेंगे उतनी ही अच्छी बनेंगी, फ्लफी और सॉफ्ट होंगी। और जो 1 कप मिल्क लिया था हमने उसमें से ये 1/4 कप दूध बच चुका है, यानी 3/4 कप दूध इसमें लग गया है। दूध की मात्रा कम या ज़्यादा भी लग सकती है। अब हम 1 कप ले लेंगे। तो जिस साइज की आप डोरा केक बनाना चाहते हैं, बड़ी या छोटी, उस हिसाब से 1 कप ले लें ताकि जो डोरा केक है वो इक्वल शेप में हो, यानी कि सबकी साइज बराबरी हो। तो अब हम डोरा केक बना लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी तवा या फिर इस तरह का पैन ले सकते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल डालकर हम इस एक्स्ट्रा तेल को इस तरह पोंछ देंगे। आपको बार बार ये तेल डालकर पोंछने वाली प्रोसेस नहीं करनी है, बस एक बार ये प्रोसेस कर लें तो सारे डोरा केक हैं वो इजीली बन जाएंगे। तो गैस का फ्लेम हमने एकदम लो रखा है और लो फ्लेम पर हम इस कप से ये बैटर डाल देते हैं। और जब बैटर डालें तो बस एक ही जगह डालें, इधर उधर ना हिलाएं, क्योंकि ये जो बैटर है वो अपने आप ही फैलकर गोल शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए कैसे मैं बैटर को एक ही जगह पर डाल रही हूँ और जो बैटर है वो अपने आप ही गोल शेप में आ रहा है। क्योंकि यदि इधर उधर हम बैटर को हिला देंगे तो ये जो डोरा केक है वो फटने लगेगी, इसमें क्रैक्स आ सकते हैं और ये इतने गोल भी नहीं बनती है फिर। अब इसे हम कवर करके 30 से 40 सेकेंड के लिए पका लेते हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इस केक के ऊपर कैसे बबल्स आने लगे हैं। तो हम इनके जो कॉर्नर्स हैं पहले उन्हें हटा लेंगे।
तो ऐसा करने से ये इजीली पलटे जाएंगे और जो बैटर होगा वो भी हिलेगा नहीं, जिससे ये दूसरी तरफ से भी काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। वाओ, ये देखिए कितने अच्छे डोरा केक बने हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो ये एक डोरा केक बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा डोरा केक बना है, इसी तरह हम बाकी के डोरा केक भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सेम कप से हम बैटर लेंगे और बैटर को एक ही जगह गिराएंगे, बैटर अपने आप ही फैलकर गोल शेप में आ जाएगा। जब ये डोरा केक आप बनाएं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जब हम पैन को या तवे को एक ही हीट पर रखते हैं तो धीरे धीरे वो ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो हो सके तो जब आप इस तरह डोरा केक को पलट दें तो गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दें, ताकि नीचे से ये अच्छे से पक भी जाए और जो पैन का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा डाउन होकर सेट हो जाए। नहीं तो पैन यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो बाकी के डोरा केक जो हम बनाएंगे वो जल सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो ये कुछ डोरा केक मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, बाकी के बैटर से भी मैं डोरा केक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इतने बैटर से मैंने ये टोटल 6 डोरा केक बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए आप नीचे से भी ये कितने अच्छे से पक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप चाहें तो इन डोरा केक को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इन पर ऐसे चॉकलेट स्प्रेड भी लगा सकते हैं, तो इससे ये बच्चों को खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और दूसरा डोरा केक हम इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, तो बच्चे तो इसे देखकर ही खुश हो जाएंगे और खाने के बाद तो आपकी वाहवाही कर उठेंगे। तो चलिए ये एक डोरा केक मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो ये देखिए क्या परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका, और चॉकलेट स्प्रेड लगाने के बाद तो ये और भी अच्छा लग रहा है देखने में। ये परफेक्टली कुक हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है, और ऊपर का तो आप कलर देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।